थैंक यू। यहां उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, सबसे पहले और स्टाफ मेंबर्स, सबसे पहले विनर्स को बहुत बहुत बधाइयां। आप लोगों ने काफी चरण की प्रतियोगिता से गुजरकर आज यहां यह सफलता हासिल की, इसलिए सबसे पहले तो बधाई के हकदार हैं। दूसरे जो भी पार्टिसिपेंट सभी स्कूलों से जो आए हैं, जिन्होंने आज यहां पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। आप एटलीस्ट आप सेकेंड राउंड में पहुंचे और आपने अपना पार्टिसिपेशन करना, जैसा हमेशा खेल भावना की का परिचायक होता है। आज के युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की महत्ता किसी से छुपी हुई नहीं है। जितना आप जिधर भी हाथ डालो, आज हाथ हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है और उनमें ऐप भी आ रहे हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि सारी कुछ मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया होती जा रही है और मोदी जी ने भी यही कहा है कि डिजिटल इंडिया बनाना है। तो सबसे ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर ही होती है। ज्यादातर आप देखेंगे जैसे बड़ी बड़ी जो इंप्लॉयर कंपनियां हैं, इवन दूसरे ब्रांच में लोग इंजीनियरिंग करते हैं, वो भी अंत में जाकर के जॉब उनको कंप्यूटर में ही मिलती है ज्यादातर लोगों को। तो आपने इसमें रुचि दिखाई, ये आपका सौभाग्य है कि आपका रुझान अच्छी जगह में है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपने एक अच्छा सब्जेक्ट चुना है, इसमें अच्छी संभावनाएं हैं, भविष्य की अच्छी संभावनाएं हैं। अपने इस शौक को आगे बढ़ाइए और कंप्यूटर के फील्ड में आप आगे बढ़ें। कई तरह के कोर्सेज होते हैं, BCA होता है जो किसी भी स्ट्रीम के लोग कर सकते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी इसको कर सकता है 12वीं के बाद। जैसे कई बार इंजीनियरिंग में आप अगर साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स के हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन BCA ऐसी चीज है जिसको आप कर सकते हैं। BCA में तुरंत BCA करने के बाद ही रोजगार के अवसर होते हैं छोटी छोटी जगहों पे। आप देखोगे जैसे अब GST आने वाला है, तो GST से आप देखोगे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। जो VAT लगता है ना, सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स और एक्साइज, ये सारे टैक्स हट करके एक सिंपल टैक्स पूरे भारत का होने जा रहा है, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसका IT पे इतना असर होगा कि आपके गांव का जो दुकानदार है उसको भी GST से संबंध करना पड़ेगा। कुछ टर्नओवर क्राइटेरिया है, एकदम छोटा तो नहीं, इन जो भी थोड़ा सा भी ठीक ठाक बिजनेसमैन है सबको GST से जुड़ना पड़ेगा। उससे जुड़ने के लिए आपको IT का सहयोग लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। उसका सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने वाला है। ऐसी स्थिति में इतनी ह्यूज संभावनाएं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आने वाली है, गांव गांव से लेकर बड़ी बड़ी। आपका जैसा स्तर है, आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी संभावनाएं भी हैं, और अगर आप नहीं है वैसे तो भी आपके लिए अच्छी संभावना एटलीस्ट लोकल स्तर पर भी जनरेट होने वाली है। तो इसके बिना आप कोई उपाय नहीं है। आपने इस एरिया में कदम बढ़ाए हैं, उसको और आगे बढ़ाइए। कंप्यूटर साइंस आपका फ्रेंड है, आपके रोजगार के लिए सहायक है, इस पर आप ध्यान दें और जीवन में आगे बढ़ें। अंत में जन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम गांव गांव में पहुंचकर ऑर्गेनाइज किया, कई स्कूलों को मोटिवेट किया। अगली बार हम आशा करेंगे एज ए स्पॉन्सर CIITM आशा करेगा कि जन टीवी थोड़ा और आगे बढ़कर और ज्यादा स्कूलों को इसमें समाहित करेगा और ज्यादा रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को मौका देगा, जिससे कि वो भी राजधानी के मंच पर आकर बढ़िया से बढ़िया अपना प्रदर्शन दिखा सके। जनरली गांवों में कोई जाता नहीं है, सारी लोगों की शहरी में सिमट करके रह जाती है। मंत्री भी मंत्री बनने के बाद अपने कमरे से नहीं निकलते ज्यादा, तो गांव पे किसका ध्यान है। जन टीवी ने गांव पे ध्यान दिया है, उसके लिए जन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद।